कैसा लगा आपको यहाँ पहुँच के? यहाँ पहुँच के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत क्यूट लगा, बहुत अच्छा लगा बहुत क्यूट लगा क्यूट लगा, मतलब यहाँ पहुँच के इसको क्यूट लगा है, मनक लागे हाँ मनक क्यूट लागे, जगह तो अच्छी लगी, मतलब जगह अच्छी लगी, जगह अच्छी लगी। हम पहुंच चुके हैं सिप्रा नदी के तट पे, महाकाल का मंदिर टेगत फिर डिया गए, तो हम तट पे आ गए, वापस जा रहे हैं। इधर है नदी, अब अड्डी और चला अड्डी और बता मिले गए हैं और यहाँ पे होटल ढूंढ रहे हैं, अभी रात हो गई है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय भी किया और अब थक भी गए और मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही। राम गार्डन वैली घुमा ले आप, कृष्णा होटल थोड़ी की हो तो राम सी की हो, राम निवास है, हां वो भी काम कर रहा है, अब फिल्म लोग ले मतलब जाएगा दो गले हैं, हाँ है दो। हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, हम थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से, हालत देखो मीरा जी, क्या हो गया मीरा जी? ये दर्द कर रही बहुत, बारी हो गई, सोजन आ गई, सकलो की 12 बज चुकी है, सोजन आ गई। हम पहुंच चुके हैं फाइनली उज्जैन, अब हम देख रहे हैं हमको किधर जाना है, कौन से होटल में जाना है, और ये बुआ लगा रही अंदर बैठी बैठी लिपस्टिक चुपचाप, नहीं लगा रही यार, लिप बाम लगा रही हूं, हाँ तो जैसे हो रहे हैं शक्ल हमारी ऐसी होगी। राम जी, तो हम आए थे ऐसे बनठन के और अभी हो गए हम ऐसे, देखो हमारी शक्ल है, नींद आ रही दर्द, तो बने रहिए ऐसे हमारे ब्लॉग में आपको बताते हैं। पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी और पहली बार ऐसा है कि इतना लंबा सफर करके भी मैं थकी नहीं हूँ, थकान हो जाती है मेरे को 100 किलोमीटर जाने में भी, लेकिन आज मैं मस्त हूँ, कोई थकान नहीं हुई और हम पहुंच चुके हैं, फाइनली पहुंच चुके हैं, अब बस होटल ढूंढना बाकी है, ढूंढ रहे हैं आसपास कहीं मिल जाए तो, और बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आप सबके लिए भी मैं महाकाल से, तो आप सबके लिए भी महाकाल से दुआ मांगूंगी, आप सब खुशहाल रहे, तो बने रहिए। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे होटल में, लेकिन यहाँ पे अभी रूम अवेलेबल नहीं है, तो ट्राई कर रहे हैं कि मिल जाए यहाँ पे रूम, और मीरा जी और हम कोशिश कर रहे हैं, मीरा जी का मुंह फट चुका है मीरा फट गया मुंह फट गया नींद के मारे, मुंह फट रहा है, पर यहाँ पे अभी रूम के लिए बहुत ट्राई करना पड़ रहा है हमें, तो ये मीरा और हम है मेन मार्केट में, ये होटल है उसके सामने, आधे लोग उधर खड़े हैं, वो आ रही है सेजू, हमें रूम दे दो कोई क्या, हम रूम वेट करने आए, रूम रेट देख रहे हैं अभी, हमें होटल में तो हमको मिल चुका है हमारे होटल में रूम, हम हमारे बैग लेने आए हैं, लो खोलो बैग, सब होंगे हम हमारा बोरा बिस्तर लेके होटल में एंटर होने जा रहे हैं गाइस, बने लगे हमारे व्लॉग के साथ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, सस्ती इन्फ्लुएंसर भी है, हाँ सस्ती अच्छी। तो ये है होटल जिसमें हम रुकेंगे, आधार कार्ड नंबर दे दियो, तो हमारे क्या क्या समस्या होगी बोलो ना, कुछ नहीं रही यार, आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, आईडी प्रूफ नहीं है हमारे पास, ऐसे ही क्या फोटो मंगा लियो ना, आधार कार्ड नंबर तो चाहिए, तो
से मांग रहे हैं आधार कार्ड और हम आधार कार्ड नहीं लेके आए गाइस, तो हम पहले के बाहर होना पड़ा खड़ा। ये तो अलाव है, तो यहाँ पे इनको एंट्री नहीं मिल रही है होटल में, क्योंकि हमारे पास आईडी प्रूफ नहीं है, थैले लेके खड़े हैं ऐसे। कैसा लग रहा है आपको आके? तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली, पीछे आ रही है मीरा, ये हमारे होटल का व्यू, हमारा फ्लोर ये, तो हमको ये मिला ही वाला रूम। अरे फैन ही ऑन नहीं, ये रहा ना यार बुआ। हाँ ये मीरा जी थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, तो ये कर रहे हैं इनकी बातें जो सफर में हुआ था। मीरा जी बहुत खुश है आज, क्या बात है मीरा जी, खुशी का कारण जान सकते हो? हाँ सुनाओ। तीन दो ग्रोज आओ, एक ग्रोज आए, कौन कौन पूछियो? हाँ आप उदयपुर जाओ, तो इनको कुछ जाते ही खुशी में। अरे यार ये रहा ना, तो देखिए तो गाइस हम सो चुके हैं, अब जाके शांति लग रही है और मेरा गला बैठ गया, और हमारे भी हो गए। मैं आके कपड़े चेंज कर लिए, मुंह हाथ धो लिए, अब सब सो रहे हैं, हमने किए थे शोरूम को, तो मीरा जी भाव खा चुकी है अभी। कितने भाव खा रहे हो? ब्लाउज ना ली थी ना ली थी क्या भैया? तो मीरा ने भी कपड़े चेंज कर लिए है, हमने भी कर लिए है, और इधर ये है और इधर बच्चे हैं, इनके लिए अलग छोटा सा पेड़ है। गरीब है, बच गया मेरा गला बैठ गया। फाइव स्टार होटल के अंदर, फाइव स्टार होटल के अंदर, हे भगवान, हमारे लिए फाइव स्टार ही है। हाँ अब टाइटल यही डलेगा, फाइव स्टार होटल। हमने स्टे किया फाइव स्टार होटल में, तो मीरा जी आई है, ये फिल्टर कर रहा है, होटल होटल में रुकी हुई है, और पूरा खर्चा जो भी है ना घुमाने का इन पे ही है, यही घुमा रही है हमें। तो अभी कल महाकाल के दर्शन करोगी आप? पूजा में बैठूंगी, पूजा में बैठेगी ये, इनका ब्लॉग शूट करूंगी मैं, नई ड्रेस पहनूंगी, नई ड्रेस पहनेगी, पुरानी वही डालेगी। और यहीं पे मतलब इतनी दूर आए हो आप, तो मिट्टी विट्टी खाना छोड़ने का संकल्प ले लेना। संकल्प तो क्या बोलो, भूल के खाने नहीं खाती, छोड़ दिया मैंने सब कुछ, छोड़ दिए बहुत दिन हो गए, तो झूठ माटी संकल्प क्यों लेना, छोड़ ही दी। तो मिट्टी के ब्लॉग इनको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ब्लॉग बना खाऊंगी लेकिन ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, नहीं नहीं खाऊंगी, मैंने छोड़ दे रहे, छोड़ दी, हानिकारक है, हानिकारक है क्या? अच्छा तो ये किसने बोला आपको कि हानिकारक है मिट्टी? मुझे पता है, पता है क्या? पर आदत आयरन की कमी है, जो खा ली तो ये कैमरा में तो सीधी दिख रही हमारी बेटी, मासूम क्यों दिखा तू कैमरा? मैं तो खोड़ला दिखा, तू उसी शनी में नहीं लग गए, हाँ बिल्कुल बोलो चेहरो बना ले, क्योंकि बोली है कौन, हाँ तो मासूम बना, ये इतनी मासूम, इसके चेहरे पे मत जाना आप, मासूम नहीं है, बहुत खतरनाक है ये। आपके गांव में आपका नाम क्या है? शेरनी। क्यों है शेरनी नाम आपकी? शकल तो इतनी अभी देखो हमारे पास तो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि हम यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं, जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, उधर बेचारों पास व्हाट्सएप है तो लगे पड़े सबसे, लगे पड़े स्टेटस लगाने में, और उधर इंस्टाग्राम, और
देर को तो पता नहीं गेम खेल रहा है या पता नहीं ये गेम ना प्रो बोल जा रहे हैं एक बंदा वो दो तीन बंदा रहना है जो एक एक नाम चुन ले भाई यो मैं हूँ यो विशाल है ऐसे हम बदतम बोलते हैं ले आए फिर ये पिस्तौले चला हुआ है उस चार चार को ये रे तो बताओ ग्रुप क्या है कुल साठ रे चार चार को तेरे को मीरा जी खेलते हैं तो भाई आउट कौन हो कौन ना मार दे मेरे ईशान बना हुआ अच्छा इतना ज्ञान है आपको पबजी के बारे में सुन को करो मैं खाना ना खा लिया आपने खा लिया बढ़िया अच्छा लगा ना भंडारे का खाना अच्छा था मीठे चावल थे मीठा रायता अच्छा नहीं लगा मीठा था नमकीन अच्छा लगता है चावल नहीं खाया आपने खाया तो थे पर अच्छा नहीं थे मीठे थे अच्छे तो थे लेकिन मीठे थे इसलिए अच्छे नहीं लगे मीठा पसंद नहीं है सबको गुड नाइट बोल दो आप हेलो गाइस गुड नाइट टाटा बाय 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 अब सो रहे हैं हम कल मिलेंगे शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन तो यही है ना शिप्रा नदी के तट पे और सुबह जल्दी उठ के हमें 7:30 बजे नदी के तट पे पहुंचना है गुड नाइट आज का व्लॉग यही एंड करते हैं अगले व्लॉग में दिखाएंगे आपको शिप्रा नदी और वहाँ की पूजा करते हुए आपको बताएंगे ठीक है हमारे ब्लॉग पे बने रहे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें क्या करें और सब्सक्राइब बढ़िया इनका 8 मिनट लगा जा तो हो चुकी है उज्जैन की सुबह मतलब उज्जैन में फर्स्ट डे हमारा और सुबह हो चुकी है इधर मीरा जी मैं दिखा रही मीरा जी फ्रेश होके वापस लेट गई है बच्चे अभी सो ही रहे हैं मैं उठ गई हूँ सेजू भी अभी नहा सोच रही पहले तो ऐसा था कि हम नहा के फिर जाते लेकिन अगर नहा के जाएंगे तो एक ड्रेस फिर वो ख़राब होगी फिर वहाँ जाने में कीचड़ में रास्ते में हो जाएगी ख़राब इस वजह से जो कल पहन रखी थी उसी को वापस पहन के जाएंगे ताकि ज़्यादा कपड़े गीले ना हो हमारे ये मीरा जी उठी रही है लोग क्या बोलना चाह रहे हो गुड मॉर्निंग बोल दो सिर तो हमारी ड्रेस चेंज हो चुकी है वही पहन ली हमने नदी में जा रहे हैं तो वहाँ डुबकियां लगानी इस वजह से तो वही ड्रेस पहन ली इन्होंने और मैं पूजा में बैठूंगी तो मैंने पुरानी पहनी है और इधर मीरा जी अब उठी है तो ये बिस्तर समेट रही है और हम लग रहे हैं जा रही तैयारी में जो पेकिंग चल रही है इधर है नजारा बहुत सुहाना और बाजार है अभी चाय नहीं पी हमने बैठे हैं अब नीचे उतर के जाएंगे तब चाय पियेंगे मेरा नींद खाट रही थी नींद आ रही भाजी तना अब यद्यक खुण की ले रहा चलना जो तो सबसे ज्यादा जल्दी इनको लगी हुई है ये सुबह 3 बजे उठ गई है और तो हम निकल रहे हैं होटल से अभी हमने बैग वेग ले लिया है ये हम जा रहे हैं गुड मॉर्निंग सब हो चुके हैं तैयार महाकाल के मंदिर जाने के लिए मेरे को बाजी ने तो खरीद भी नहीं है टी शर्ट इतनी जल्दी इन्होंने बहुत फुर्ती की है इस काम में ऐसी लूंगी मैं तो अच्छा लग रहा है तो इन्होंने पता नहीं कब ले ली इनको बहुत मेरे फूफा जी से फूफा जी को अप टू डेट बना के रखना चाहती है अभी भी मतलब अभी भी इसके हिसाब से कपड़े पहनाती है कहीं ना कोई ये पुराने पहन के आ गई है। आठ आठ बच्चे ये बहुत फोकस आ रही है।